आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नवागत नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने गुरुवार शाम को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने विश्वदा स्मारकों के शहर आगरा में स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के साथ ही शासन के निर्देशों को अपनी प्राथमिकता बताया है। नवागत नगर आयुक्त झांसी के मुख्य विकास अधिकारी के पद से स्थानांतरित होकर आगरा आए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से उनका परिचय पूछा, उसके बाद वो पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली को समझने के बाद वो स्वच्छ प्रशासन देने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने आज ही कार्यभार ग्रहण किया है और सबसे पहले अधिकारियों के साथ परिचय किया, समझा कि यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति क्या क्या पद पर है और क्या क्या कार्य वो देख रहे हैं। अगर हम लोग प्राथमिकताओं की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि हम लोग कोविड के काल में जी रहे हैं, तो पहली मेरी प्राथमिकता ये है कि जो भी जिला प्रशासन, जो भी DM सर और SSP सर, कमिश्नर सर, जो भी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें जो नगर निगम का जो भी एक्टिविटी है उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है अर्जेंटली हम लोग उनको पूरा सहयोग करें। और इसके बाद अगर हम लोग हमारे कोर वर्क पे आए तो जो प्राथमिकताएं है वो स्वच्छता में मैंने देखा कि शहर काफ़ी स्वच्छ है। हो सकता है कि मैंने अभी बहुत सीमित एरिया देखा हो शहर का, और कुछ ऐसी कॉलोनीज़ या कुछ ऐसा एरिया जो दूर दराज हो, जहाँ ज़रूरत हो, वो अभी मैं नहीं देख पाया हूँ। तो आने वाले दिनों में मैं भ्रमण करके यही मेरा कार्य रहेगा कि एरियाज आइडेंटिफाई करना और कहाँ कमियाँ हैं, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। नगर निगम की कार्यप्रणाली को नए सिरे से ढर्रे पर लाने के लिए एक रोस्टर बनाया जाएगा। सोमवार से इस रोस्टर के अनुसार काम शुरू होगा। फिलहाल मैंने जो आज हमारे अधिकारियों को निर्देश दिए वो ये है कि सोमवार से हम लोग एक शेड्यूल बनाकर प्रत्येक वर्टिकल में, सपोज स्मार्ट सिटी है, गौवंश है, स्वच्छता अभियान है, PO डूडा के पास आवास है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, तो हर एक वर्टिकल, हर एक इशू या हर एक स्कीम के लिए हम लोग हमारे अधिकारियों से प्रेजेंटेशन लेंगे, देखेंगे कि वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, क्या अपेक्षाएं थी, हम लोग कहां तक पहुंचे हैं और आगे उसको अचीव करने के लिए क्या करना है, और अगर कहीं कमी है या कहीं अच्छा कार्य किया है तो वो भी मैं देखना चाहूँगा। तो अगले 7 दिन का ये मैंने प्रोग्राम बनाया है और धीरे धीरे जैसे भी जिस भी माध्यम से मुझे चीज़ें पता चलेगी तो फिर उस पर हम लोग जो है वर्कआउट करना शुरू। स्मार्ट सिटी के साथ ही स्वच्छता का कार्य नवागत नगर आयुक्त की टॉप प्रायोरिटी पर रहेगी। वो तो मैंने जैसे आपको बताया वो तो विशेष है। देखिए, हम लोग, मैंने मीटिंग में भी बोला कि हम लोग केवल स्वच्छ आगरा ना बनाएं, स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक आगरा बनाएं। आगरा एक इंटरनेशनल सिटी है, हम लोग उसको केवल एक हिस्टोरिक सिटी के रूप में ना देखें। आगरा को एक मॉडर्न 21st सेंचुरी सिटी बनना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है। केवल ये नहीं है कि अगर स्मार्ट सिटी का एक एरिया हमने अगर चूज़ कर लिया, सिटी का एरिया स्मार्ट सिटी, तो केवल उसी पे फोकस रहे, पूरा एरिया रहे स्मार्ट सिटी, जो है वहाँ विशेष फोकस रहे। तो यही है, इसी प्रकार से हम लोग आगे वर्क करेंगे। वर्ष 2014 बैच के IAS अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे नागपुर के मूल निवासी हैं। उनकी ट्रेनिंग झांसी में हुई थी, उसके बाद वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में बलिया में तैनात रहे थे। वो झांसी के CDO के पद से स्थानांतरित होकर आगरा आए हैं। आगरा आते ही उन्होंने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से शिष्टाचार मुलाकात भी की। विजय बघेल, C News आगरा।